कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, बिल्कुल ही कुछ इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं इटावा में इन दिनों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए श्रीमती सावित्री कोठरिया और उनके बेटे। तभी तो किसी को धमकाना और किसी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में फायरिंग कर डालना इनके लिए आम बात हो गई है। शनिवार शाम मुख्यालय पर एसएसपी आकाश तोमर के आवास के बाहर करीब एक सैकड़ा ऐसे पीड़ित लोग पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी की एमएलए सावित्री कठेरिया और उनके बेटे के आतंक से दुखी थे। पीड़ितों ने एमएलए और उनके बेटों की दबंगई की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। असल में इटावा में भरथना से बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया के बेटों और देवर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। बकेवर थाने में मदद ना होने की दशा में पीड़ितों का दल एसएसपी से मिलने के लिए उनके आवास के पास जाकर दस्तक देने के लिए पहुंच गया। एमएलए से पीड़ित लोगों के एसएसपी आवास के बाहर पहुंचने की खबर मिलने के बाद एसओ सिविल लाइन अंजन कुमार, सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह समेत दर्जनों पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और त्वरित ढंग से जमीन से जुड़े हुए मामले में दखलंदाजी करने के लिए दोनों पक्षों से मना किया गया। शनिवार को उनके बेटे और देवर जेसीबी लेकर इस जमीन पर निर्माण करवाने पहुंच गए थे। जानकारी होने पर जमीन मालिक लज्जाराम ग्रामीणों के साथ पहुंचे तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विधायक पक्ष के लोग ग्रामीणों को देखते ही हमलावर हो गए। मामला बढ़ते देख गांव से और लोग जुटने लगे। भीड़ जुटती देख विधायक पक्ष से ताबड़तोड़ चार राउंड फायरिंग की गई। इस बीच भीड़ पीछे हटी तो विधायक के बेटे और उनके साथ गए लोग भाग निकले। भरतना विधायक सावित्री कठेरिया के बेटे ने खेत पर कब्जे को लेकर फायरिंग करके बकेबर इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। खेत मालिक का आरोप है कि जब उसने कब्जे से रोकने की कोशिश की तो ना सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि विधायक पुत्र घटना की वीडियो बना रहे एक युवक को गाड़ी में डालकर ले गया। पीड़ित लज्जाराम पुत्र मिजाजी लाल निवासी परशुपुरा ने बकेबर थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 6 लेन हाईवे के समीप उनके खेत के 3 हिस्सेदारों में से तीसरे हिस्सेदार के पुत्रों ने खेत का एक तिहाई हिस्सा महेंद्र सिंह पुत्र उदय नारायण निवासी अर्जुन नगर पक्का बाग को बेच दिया था। महेंद्र वर्तमान में भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया के पुत्र है। वह खेत के बाकी 2 हिस्सों पर दबंगई से जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को दोपहर के समय मोरंग से लदी गाड़ी लेकर आए और जेसीपी से खोदवाई करने लगे। तभी दोनों हिस्सेदारों द्वारा कब्जा करने से मना किया गया। दोनों हिस्सेदारों की जमीन सरकारी बंटवारे में हाईवे की तरफ खुली हुई है। जब इस जमीन पर कब्जे करने से रोकने का प्रयास किया गया तो विधायक पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने के साथ ही हवाई फायरिंग भी की। सूचना पर मौके पर पहुंचे बिजोली चौकी प्रभारी ब्रिजनंदन सिंह ने घटनाक्रम का जायजा लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जमीन का मामला पहले से ही न्यायालय में चल रहा है, आदेश आने पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे मोबाइल में था वीडियो, तो ये लोग आए, इन्होंने मेरी ये काला दादा सब पकड़ी और मुझे खींच के ले गए। हमने कहा ये तो आप सब खोल दिया, तो मैंने आपका वीडियो नहीं बनाया है। मैं दवाई लेके इटावा से गया था, दवाई लेके सीधे वहीं पहुंचे खेत पर ही, तो उन्होंने मेरे इनकी मारा पीटा बहुत ज़्यादा, मोबाइल मेरा फोड़ दिया और जो पर्स में रुपये थे वो भी निकाल दिए। और बाद बात फिर जब यहाँ इटावा विधायक जी के यहाँ पे लेके आए कमरे पर, तो फिर यहाँ पे मेरे को इन्होंने दबाव दिया, बोले अगर वहाँ थाने में कुछ बोला तो इनकी गोली से मार देंगे। और रास्ते में वो लोग थे विधायक का छोटा वाला लड़का, कौन सी विधायिका? सावित्री कठेरिया की आवाज लेकर आए, गोली की फायरिंग की थी, तब सारी जनता भाग गई। तो बेल में हाईवे की पूरी सड़क दी ना, तो हम नहीं भरनेंगे सर। हाँ, हमारे दो लोगों, मेरा खेत है, मेरा ये दाऊ के लड़के, हमारे दो लोगों के खेत है सर। तो ये लेखपाल साहब से बोले मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर जवाब है। वो कह रहे थे मोरम पलटा दिया, जैसे भी खेत में थी, और वो कह रहे थे हमें नाप दो आप, हम नहीं भर लेंगे साहब। तो आपका कहना है? हम लोग गए साहब, हमने की अपना जितना लिया 1/3, अपने 1/3 पे ऐसा काबिज रखे साहब, मेरे पर ना करें कब्जे। प्रवेश कुमार, ये सावित्री विधायक जी कठेरिया है, ये मेरे खेत पर मतलब कब्जा करने चाहती है, बराबरी कब्जा करना चाहती है। उनके साथ भी 4-5 लोग गनर आए थे, और विधायक जी के मतलब 3 लड़का आए थे, और मतलब 4-5 गाड़ी लेकर आएंगे विधायक जी, और उसमें मेरे चाचा जी गए मतलब बात करने के लिए, तो विधायक जी ने मतलब हायर कर दी।
चाचा को मार पीट के बहुत मारा, मतलब साथ में ले गए, जबरदस्ती ले गए, फोन मन पूछा दिया, मतलब बहुत मारा। हाँ फायर कर दी छह सात। इस पूरे प्रकरण में भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया जमीन को लेकर उनके पुत्रों के साथ मारपीट की गई है, जिससे उनके पुत्र के भी चोटें आई है, लेकिन इसके अलावा उनकी ओर से कोई और सफाई नहीं दी गई। इटावा के प्रभारी एसएसपी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि जमीन के मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद की बात सामने आई है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और उस जमीन पर कोई विवाद पैदा ना होने दे। आज बकेवर थाना क्षेत्र में परसुपुरा गांव के पास पुलिस के संज्ञान में ये आया था कि वहां एक जमीन को कब्जे को लेकर विवाद है। वहां तीन भाइयों की जमीन है जो कुल 6 बीघे है। उनमें से एक भाई के लड़कों ने अपनी जमीन का हिस्सा एक महेंद्र कुमार हैं उन्हें बेच दिया था। महेंद्र कुमार आज उस जमीन के हिस्से पर अपना कब्जा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन क्योंकि उन तीनों भाइयों का आपस में कोई बंटवारा नहीं था, ऐसा उनका आरोप है, और महेंद्र कुमार उस जमीन में अपना आगे का हिस्सा लेना चाह रहे थे, इसमें दोनों पक्ष इकट्ठे हो गए थे। तत्काल जैसी सूचना मिली थी पुलिस को, वहाँ के संबंधित चौकी प्रभारी भी पहुँच गए थे, थाना प्रभारी पहुंच गए थे, उन्हें देख के वो लोग वहां से चले गए थे। ये हिदायत दोनों पक्षों को प्रभारी निरीक्षक बकेवर द्वारा कर दी गई है कि अपना एसडीएम के यहां से, राजस्व विभाग से, और ये भी संज्ञान में आया है कि इस संबंध में कोई मामला न्यायालय में भी चल रहा है, यद्यपि उसके कागज अभी तक नहीं देखे गए हैं, अपना करा लें उसके बाद ही वहां पर कब्जा करें। अगर किसी ने भी कोई कानून स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया या अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो कठोरतम कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जाएगी। किसी भी हालत में इस जमीन के कब्जे को लेकर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं बिगड़ने दी जाएगी। ये सभी पक्षों को तायद कर दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से कुछ एप्लीकेशन आई है जिसकी जाँच प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। जो तथ्य सही होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।